कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने ब्रोकर्स के कामकाज के तरीके में एक बड़े बदलाव का ऐलान किया है। ब्रोकर्स के लिए यह बदलाव 1 मई से लागू होगा। ये पूरी खबर क्या है, इस खबर का पूरा ब्यौरा और इसके मायने बता रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। बताइए ब्रजेश जी, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, सेबी ने यह नया नियम लागू किया है कि 1 मई से ब्रोकर जो है वो क्लाइंट का जो पैसा होता है उस पैसे से बैंक गारंटी नहीं बनवा सकेंगे। साथ ही जो मौजूदा बैंक गारंटी क्लाइंट के पैसों से बनवा रखी है उसको भी 30 सितंबर तक खत्म करना होगा। ये मौका दिया जा रहा है करीब करीब 5 महीने का कि ताकि जो क्लाइंट्स हैं उनको ट्रेडिंग में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए ये 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। साथ ही एक्सचेंजेज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को ये जिम्मा दिया गया है कि वो इस नियम का पालन करवाएं और 1 जून के बाद हर पखवाड़े में ये रिपोर्ट दें कि कितना पैसा जो बैंक गारंटी का पड़ा है क्लियरिंग के पास उसमें से कितना पैसा क्लाइंट के कितना बैंक गारंटी में कितना पैसा क्लाइंट का पैसा है और कितना पैसा ब्रोकर का अपना पैसा है, ताकि सही स्थिति मिल सके। साथ ही 30 सितंबर की जब मियाद खत्म होगी तो उसके बाद 16 अक्टूबर तक ब्रोकर्स को अपने ऑडिटर से रिपोर्ट बनवा कर देना पड़ेगा कि उन्होंने सेबी का जो ये नियम था कि क्लाइंट के पैसे से बैंक गारंटी नहीं बन सकती इसका पूरा पालन किया है। अब बात यह है कि सेबी को ये नियम लाना क्यों पड़ा। दरअसल पिछले कई सालों में इस तरह के मामले हुए हैं जहां पर जो क्लाइंट का पैसा है उसके दुरुपयोग के मामले सामने आए थे, इसलिए सेबी ने इस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला जो है वो फैसला किया है। अगर आप देखें तो 1 जुलाई से एक नई व्यवस्था आ रही है जहां पर जो भी एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे यानी कारोबारी दिन के खत्म होने के बाद जो भी पैसा क्लाइंट के हिस्से का बचेगा वो ब्रोकर को क्लियरिंग कॉरपोरेशन को भेजना पड़ेगा और ब्रोकर के पास किसी भी तरह का कोई पैसा क्लाइंट का बचा नहीं रहेगा। तो एक सुरक्षित नई व्यवस्था लाई जा रही है सेबी की तरफ से 1 जुलाई से, इसलिए भी बैंक गारंटी की व्यवस्था को खत्म करने का सेबी ने फैसला किया। बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी आपका इस पूरी खबर को विस्तार से बताने समझाने के लिए।